Sagar Inn, luxury AC rooms, party hall and conference hall. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि युवती का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकला है, जो इस बात से परेशान था कि उसकी प्रेमिका उस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये खुलासा एमपी के रीवा जिले की मऊगंज थाना पुलिस ने किया है। दरअसल बीते एक हफ्ते पहले नई गढ़ी थाना क्षेत्र से काजल जायसवाल की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से 1 किलोमीटर दूर एक खेत से बरामद हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग में रखे नगद रुपए के साथ दुपट्टे से लगा फंदा और प्रेमी के नाम लिखा एक लव लेटर भी बरामद किया था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि काजल जायसवाल नाम की युवती बीते 20 मई की शाम अचानक घर से लापता हो गई थी। पता न चलने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की और इसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जहां अगले दिन देर शाम उसकी डेड बॉडी मऊगंज थाना क्षेत्र के फूल गांव में मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर बॉडी का पीएम कराकर जांच शुरू की। वहीं उसके पास मिले लव लेटर के आधार पर पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया और घटना के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसमें युवती के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया था। उसी ने दुपट्टे से गला घोंट कर युवती का मर्डर किया था। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि प्रेमी का प्रेमी पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया। दिनांक 20 तारीख को प्रमिला साकेत थाना नई गढ़ी पे पहुंच के उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी बच्ची काजल जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी खटकरी अपने घर से गायब है, और जिसकी सूचना पाकर पुलिस के द्वारा गुम इंसान कायम करते हुए अग्रिम विवेचना की गई। और दिनांक 21 तारीख को लगभग शाम के समय पुलिस को सूचना मिली कि एक बॉडी वहीं पास में छुरिया गांव में तालाब के किनारे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा जब तस्दीक की गई तो वो बॉडी काजल जायसवाल की मिली, और इसके बाद में सुबह सुबह दूसरे दिन 22 तारीख को एफएसएल टीम के द्वारा उसका निरीक्षण करा के एक टीम बना के पीएम कराया गया, और मामले में स्ट्रैंगुलेशन प्रतीत होने पे 302-201 में FIR पंजीबद्ध करके अग्नि विवेचना की गई। विवेचना में प्रारंभिक रूप में एक लव लेटर मिला। लव लेटर में किसी का नाम उल्लेखित नहीं था, लेकिन उसमें दो नाम उल्लेखित थे, और इसके बाद में पुलिस ने उक्त लेटर के आधार पर एक संदेही को उठाया। संदेही से पूछताछ की गई, लेकिन संदेही जो बच्ची थी उससे बातचीत जरूर करता था, लेकिन उसके साथ में ऐसी कोई घटना ना होना उसने बताया। इसके बाद में थाना नई गढ़ी के द्वारा साइबर टीम से भी संपर्क किया गया, उनसे कई सारी जानकारी ली गई। लगातार काम करते हुए एक दो संदेहियों को उठाते हुए पूछताछ करते रहे, और बाद में एक लड़का जो अमित सिंह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वो लड़की के लगातार संपर्क में था। साइबर से भी कंफर्म हुआ कि वो लड़की से बातचीत कर रहा था, और जब उसे पुलिस के द्वारा लिया गया, अभिरक्षा में लिया गया और पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा यह स्वीकारा गया कि उसने काजल जायसवाल की हत्या की है। और जब लड़की अपने घर से गई थी उस समय उसने अपने बैग में कपड़ों के साथ में एक पॉलीथीन में अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बैंक पासबुक के अलावा लगभग 40,000 रुपये भी रखे थे, और लड़के से पूछताछ के दौरान में उसने बताया कि लगभग 40,000 रुपये क्या है उसके पास थे, जिसमें से 19,000 रुपये उसने कियोस्क सेंटर में जमा मतलब अपने सास के अकाउंट में जमा करने के लिए दिए थे, वो पैसे जब्त कर लिए हैं पुलिस के द्वारा। इसके अलावा लगभग 8,000 रुपये उसने वकील और एक छोटू को दे दिए हैं, और बाकी पैसे का उसने पंखा पॉलीथीन और कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया है। जी, एक मुख्य रूप से आरोपी है इसमें। रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन, लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9।
9939406953।